नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो आज हम आए हुए हैं लैंसीडॉन में, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर के महीने में आप यहाँ पे कैसे घूम सकते हैं और लॉकडाउन के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, आपको यहाँ पे होटल खुले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं आपको आज के हमारे इस वीडियो में। तो इसलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं और घूमने की सोच रहे हैं किसी हिल स्टेशन पर, तो मैं आज आपको बताऊंगा उत्तराखंड के एक खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसीडॉन की कंप्लीट डिटेल। तो जो ये हिल स्टेशन है लैंसीडॉन, ये उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि अगर दिल्ली से अगर आप आएंगे तो दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है पहले कोटद्वार, और कोटद्वार से 40 किलोमीटर दूर है लैंसीडॉन। यानी टोटल जो दिल्ली से यहाँ लैंसीडॉन की डिस्टेंस बैठेगी वो 240 किलोमीटर बैठेगी। तो अभी कुछ टाइम पहले से जो ये बाउंडेशन थी, जो बाहर के राज्य वाले लोग थे उनको आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब सभी राज्यों के लोग उत्तराखंड में किसी भी हिल स्टेशन में आकर घूम सकते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप यहाँ उत्तराखंड में आकर घूम सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्सनल गाड़ी लेके आप कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप बस से आना चाहते हैं या ट्रेन से आना चाहते हैं तो उसके लिए बसें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, बस से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ट्रेन अभी कोटद्वार तक नहीं चल रही है और लैंसीडॉन तक तो वैसे भी ट्रेन नहीं चलती है। तो अगर आप दिल्ली से कोटद्वार आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो बस से आना पड़ेगा या अपनी गाड़ी से। इसी तरीके से आप पहुंच सकते हैं पहले कोटद्वार, और फिर कोटद्वार से आपको यहाँ लैंसीडॉन के लिए टैक्सी और बस दोनों ही मिल जाएंगी। अगर सुबह सुबह आते हैं तो आपको बस भी मिल जाएगी और टैक्सी भी आपको यहाँ से रेगुलर चलती हैं वो मिल जाएंगी। इसके बाद आप पहुँच सकते हैं लैंसीडॉन में। बाकी आप रास्ते में देख ही सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये जगह ही पहाड़ी पे स्थित है और इस कारण से जब आप रास्ते में आप यहाँ आएंगे तो आपको ये जगह काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और आजकल यहाँ अक्टूबर में भी काफ़ी ठंड हो रखी है। तो इस तरह से आप इसके बाद पहुँच जाएंगे लैंसीडॉन, और जो सामने आप देख रहे हैं लैंसीडॉन का मार्केट है, यहीं पर टैक्सियाँ आकर रुकती हैं। अगर आप टैक्सी से आते हैं कोटद्वार से लैंसीडॉन तो यहीं पर आपको रुकना होगा। इसके बाद नीचे को एक रास्ता जाता है मार्केट के लिए, जो यहाँ लैंसीडॉन की लोकल मार्केट है। आप चाहें तो वहाँ पर भी घूम सकते हैं, यहाँ के लोकल मार्केट देख सकते हैं, यहाँ के कल्चर को जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ घूमने की जो दो प्रमुख जगह हैं वो है टिप्पन टॉप और भुल्ला ताल। तो इन्हीं दो जगहों पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं और यही दोनों जगह घूमने के लिए सबसे बेस्ट हैं। तो यहाँ से अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप डायरेक्टली भुल्ला ताल और टिप्पन टॉप तक अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप टैक्सी से आए हैं तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे होटल्स की और रेस्टोरेंट्स की, तो वो भी लगभग सभी खुल चुके हैं। आप सामने देख रहे हैं जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, ये लगभग सभी खुल चुके हैं। अब पहले तक सरकार ने इनको खोलने की इजाज़त नहीं दे रखी थी, लेकिन अभी अक्टूबर से ये सब चीज़ें खुल चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर आने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप मास्क पहन के आइए और अपने हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो ये पूरा मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप घूम सकते हैं। रहने और खाने की आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप पहले ही ऑनलाइन होटल बुक करते हैं तो आप पहले ही ऑनलाइन होटल बुक कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी इसके अलावा टूरिस्ट अब यहाँ पे काफ़ी आने लगे हैं, और इस सीज़न में भी इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, तो आपको अगर आप यहाँ डायरेक्ट आके भी होटल बुक करते हैं तो भी आपको रूम मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप गर्मियों में आते हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ गर्मियों में आती है, उस टाइम पर होटल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं भुल्ला ताल की ओर, जो यहाँ से मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो अब हम आ गए हैं भुल्ला ताल में। तो जो ये जगह है ये काफ़ी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बोटिंग भी होती है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे गार्डन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं और काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो जाने का चार्जेस हैं वो है 150 रुपये पर पर्सन का टिकट रहता है। 150 रुपये का टिकट लेके आप यहाँ पर अंदर बोटिंग भी कर सकते हैं, इसके अलावा अंदर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। और मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ का बहुत ही बेहतरीन रहता है, चाहे आप सर्दियों में आते हैं या गर्मियों में। गर्मियों में भी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मौसम आपको काफ़ी ठंडा ही यहाँ पे मिलेगा। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पार्क को, और नीचे बोटिंग कर रहे हैं काफ़ी लोग,
और आप यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं, चारों तरफ की काफ़ी एक खूबसूरत लोकेशन पे है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बीच में एक ताल है। इसके बाद यहाँ से एक रास्ता जाता है टिपन टॉप की ओर, और टिपन टॉप यहाँ भुला ताल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप पैदल भी जाना चाहते हैं तो पैदल जा सकते हैं, या अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप अपनी गाड़ी से सीधे जा सकते हैं टिपन टॉप में। तो यहाँ पे अब हम फाइनली आ गए हैं टिपन टॉप में, जो दरअसल में टिपन टॉप जगह है, ये काफ़ी एक हाइट पर है लैंसडोन की, और यहाँ से हिमालय का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पर लोग आते हैं हिमालय व्यू देखने के लिए। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ टिपन टॉप में, और चलते हैं सीधे अब वहाँ पे हिमालय व्यू पॉइंट की ओर। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आज का काफ़ी मौसम खूबसूरत है और काफ़ी पर्यटक भी आए हुए हैं यहाँ पे। अभी हाल ही में लॉकडाउन खुला है, इस वजह से थोड़ा अभी पर्यटक कम आ रहे हैं, लेकिन गर्मियों के समय में और सर्दियों के समय में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं, और जिस टाइम पे मौसम साफ होता है उस टाइम पे यहाँ से हिमालय की चोटियाँ साफ साफ दिखाई देती हैं। अभी यहाँ से हिमालय की चोटियाँ साफ नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि थोड़ा सा मौसम में धुंध है, जिस कारण से यहाँ पे अभी हिमालय की चोटियाँ साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस टाइम शाम के समय और सुबह के समय, इन दोनों टाइमों में ज़्यादा साफ दिखाई देती हैं। बस बादल नहीं होना चाहिए और धुंध नहीं होनी चाहिए तो आप यहाँ से भी हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। बाकी आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ का काफ़ी शानदार व्यू है, और दूर दूर तक के पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, गांव नज़र आ रहे हैं, और यहाँ के जंगल नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी एक खूबसूरत जगह है। अगर आप लैंसडोन घूमने की सोच रहे हैं इस बार अक्टूबर में, और काफ़ी टाइम से आप घर में लॉकडाउन के कारण कहीं घूम नहीं पाए हैं, तो आप एक बार यहाँ से ज़रूर आएँ। और दिल्ली से ये जगह काफ़ी पास पड़ती है, तो दिल्ली से आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं, वीकेंड में आप 2 दिन के अंदर यहाँ घूम के वापस जा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी घूमने के लिए आ सकते हैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस लैंसडोन में। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।